एवरीवन, दिस इज आयशा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें बताती है कि चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक, बट इसकी एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है। होप आपको ये पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मूवी की तरफ चलते हैं। सो मूवी के स्टार्ट में हम मिलते हैं एक कपल जियोना और माइकल से। आज वो दोनों एक पार्टी में जा रहे हैं। एक्चुअली ये उनके फ्रेंड्स का एक गेट टुगेदर है। दोनों वहाँ पहुँचते हैं और एंडी से मिलते हैं जो माइकल का बेस्ट फ्रेंड है। माइकल बाकी लोगों से मिलता है तो एंडी और जियोना आपस में बातें करते हैं। एंडी बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सैरा को प्रपोज करने वाला है। जियोना ये सुन के काफ़ी खुश होती है। इतने में वहाँ माइकल का बॉस आता है। वो जियोना से उसकी अगली बुक के बारे में पूछता है। एक्चुअली जियोना एक राइटर है। थोड़ी देर बाद जियोना ध्यान देती है कि माइकल कहीं नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा ढूंढने पे वो उसे बालकनी में देखती है एक लड़की के साथ में। बाद में माइकल उसे इंट्रो करवाता है तो पता चलता है कि उसकी कंपनी की ये नई डिज़ाइनर है। वहाँ जियोना नोटिस करती है कि माइकल को ज़्यादा ही लॉरा की तरफ देख रहा है। बाद में जियोना एंडी से पूछती है लॉरा के बारे में। एंडी कहता है कि उसने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। यहाँ जियोना को ये भी पता चलता है कि माइकल और लॉरा 1 महीने पहले एले गए थे साथ मीटिंग के लिए, और कल एंडी, लॉरा और माइकल तीनों फिलाडेल्फिया जा रहे हैं अगले मीटिंग के लिए। पार्टी के बाद बाहर निकल के माइकल पूछता है क्या उसने कुछ गलत किया है जो उसका बिहेवियर चेंज है। घर आने के बाद जियोना माइकल से बहुत ही नाराज़ थी। वो माइकल से कन्फ्रंट करती है कि उसने लॉरा के बारे में क्यों नहीं बताया कि वो भी एले में उसके साथ थी। तो माइकल कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो भूल गया था। जियोना कहती है अगर ये बड़ी बात नहीं है तो पूरी पार्टी में वो सिर्फ उससे ही क्यों बात कर रहा था। माइकल कहता है अगर उसे उस पर शक है तो वो उसका फ़ोन, ईमेल सब कुछ चेक कर सकती है। जियोना कहती है हर कोई पकड़ा नहीं जाता माइकल। जियोना माइकल से बहुत खफा हो जाती है क्योंकि आज रात उसने माइकल के आंखों में किसी और के लिए अफेक्शन फील किया है। मगर माइकल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जियोना बिना कुछ बोले काउच में जाकर सो जाती है। रात को माइकल जियोना को उठाता है और माफ़ी मांगता है। दोनों साथ कुछ खाते हैं और साथ सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और सुबह 8 बजे माइकल की ट्रेन थी। सुबह जियोना माइकल के कपड़ों में एक नोट लिख कर डाल देती है। तो माइकल निकल जाता है अपनी मीटिंग के लिए और जियोना घर के काम करके अपनी कॉफ़ी लेने के लिए बाहर जाती है। शॉप में उसे एक आदमी आवाज़ देता है और वो होता है एलेक्स, जियोना का एक्स बॉयफ्रेंड। एलेक्स काफ़ी खुश था जियोना को देखकर, और जियोना भी। दोनों थोड़ा बातें करते हैं तो एलेक्स जियोना को शाम को डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि वो उसे कॉल करेगा। इस पर जियोना पूछती है क्या अभी भी उसके पास उसका नंबर है। तो एलेक्स कहता है उसके पास आज भी उसकी दी हुई हर चीज़ है। जियोना वापस घर आ जाती है और अपने बुक पे काम करती है। इधर माइकल भी अपने फ्लाइट के लिए निकल गया और होटल पहुंचता है। इधर जियोना को भी एलेक्स का कॉल आता है और उसे मिलने का डेट और प्लेस वो बताता है। जियोना उसकी फ़ोटोज़ देखती है और शाम के लिए रेडी हो जाती है। वो एलेक्स से मिलती है एक रेस्टोरेंट में। दोनों हग करते हैं और एलेक्स उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ दोनों अपनी पुरानी बातें करते हैं। एलेक्स बताता है कि आज वो बहुत खुश है, इतने सालों बाद वो उसे देख रहा है। जियोना पूछती है क्या उसके जाने के बाद उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी। एलेक्स कहता है हाँ, मगर उसका कुछ चला नहीं क्योंकि उनके बीच वो स्पार्क नहीं था, सो वी ब्रोक अप। ऐसे ही दोनों कुछ बातें करते हैं तो एलेक्स जियोना को उसके साथ डिनर के लिए चलने को बोलता है। बट वहाँ उनके दो फ्रेंड्स भी होंगे जो उन्हें ज्वाइन करेंगे। तो दोनों निकल जाते हैं उस रेस्टोरेंट के तरफ। इधर माइकल अपनी टीम के साथ डिनर कर रहा है, बट वो लॉरा के तरफ देखे जा रहा है और कहीं ना कहीं लॉरा भी उसे देख रही है। डिनर के बाद माइकल जियोना को कॉल लगाता है, बट वो एलेक्स के साथ थी तो वो कॉल रिसीव नहीं करती। वो रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और एलेक्स के फ्रेंड से मिलती है। एलेक्स के फ्रेंड पूछते हैं ये तुम्हारी नई फ्रेंड है, बट एलेक्स उन्हें समझाता है कि हम एक्स हैं मगर हम अच्छे दोस्त भी हैं। इतने में वहाँ जियोना की एक फ्रेंड आती है तो जियोना उसे देख के शॉक हो जाती है। बट थोड़ा हाल चाल पूछने के बाद उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। इधर माइकल का डिनर भी ख़त्म हो गया था, बट लॉरा को ड्रिंक करना था तो एंडी मना कर देता है क्योंकि वो थका था। तो लॉरा माइकल से पूछती है, वो हाँ कहता है। तो इस पर एंडी कहता है वो तो थका हुआ था, उसे तो नींद आ रही थी। बट माइकल बाद में बात पलट देता है और लॉरा के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। मगर उससे पहले वो जियोना को कॉल लगाता है। इस बार जियोना कॉल उठाती है। माइकल पूछता है वो कहाँ है, तो जियोना उसे कहती है वो बाहर आई है टहलने के लिए। दोनों थोड़ा बातें करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। माइकल लॉरा के पास आता है और दोनों कुछ बातें करते हैं
और लॉरा उसे किस कर लेती है। माइकल कहता है वो मैरिड है, तो लॉरा कहती है कि वो जानती है मगर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो पूछती है क्या उसने कभी अपनी लाइफ में अपनी वाइफ को चीट किया है। माइकल कहता है कभी नहीं, क्योंकि उसके बाद उसे बहुत रिग्रेट फील होगा। इधर एलेक्स और जियोना का भी डिनर खत्म हो गया था, बट एलेक्स के फ्रेंड उन्हें साथ अपनी पार्टी में चलने को कहते हैं, बट क्योंकि जियोना को एंडी के डॉग को खाना देने के लिए उसके घर जाना था तो वो मना कर देती है। तो जियोना और एलेक्स एंडी के घर की तरफ जाते हैं। घर पहुंचकर एलेक्स पूछता है आखिर हमारा रिश्ता क्यों नहीं चला। तो जियोना कहती है वो दूसरे शहर चला गया उसे छोड़कर और इतने सालों बाद आया। उस बीच माइकल ने उसे शादी के लिए पूछा और उसने हाँ कर दी, और उससे वो प्यार भी करती है क्योंकि वो लॉयल और फेथफुल है। बट उसके दिल में उसके लिए भी फीलिंग्स है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। इस पर एलेक्स पूछता है क्या वो उसे नहीं चाहिए। इस पर जियोना सीधा मना कर देती है और डॉग को लेकर बाहर घूमने चली जाती है, बट कीज घर पे ही वो भूल जाती है और एलेक्स भी नीचे चला आता है कीज अंदर छोड़ के। तो दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो डॉग को लेकर ही एलेक्स के फ्रेंड की पार्टी में चले जाते हैं। इधर एलेक्स का फ्रेंड और वो बातें करते हैं। एलेक्स का फ्रेंड जियोना की काफ़ी तारीफ़ करता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। इधर हम माइकल को देखते हैं, वो लॉरा के साथ स्विम करने आया है बट वो काफ़ी अनकंफर्टेबल है, जैसे उसके दिल में कहीं ना कहीं है कि वो गलत कर रहा है। यहाँ लॉरा बताती है उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया था मगर फिर भी उसने उसे माफ़ किया और उसके साथ रही, बट कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। इधर सीन शिफ्ट होता है जियोना के तरफ। वो दोनों टेरिस पे जाते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। वापस आते वक्त लिफ्ट में वो एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाते। एलेक्स और जियोना एलेक्स के होटल में आते हैं। यहाँ जियोना बताती है कि माइकल अपने कॉलीग के साथ गया है जिसे वो पसंद करता है। इस पे एलेक्स बोलता है क्या वो वरीड है। इस पे जियोना कुछ नहीं कहती। यहाँ एलेक्स उसके क्लोज आने की कोशिश करता है मगर जियोना मना कर देती है। इस पे एलेक्स कहता है तुम्हारा हस्बैंड किसी और औरत के साथ है, मगर जियोना कहती है उसे उस पे भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगा। जियोना उससे दूर जाके बैठ जाती है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, मगर एलेक्स मना कर देता है कि हमारे कुछ घंटे हैं और मैं उसमें भी अपने एक्स के बारे में बात करूं, क्योंकि वो उस मोमेंट को उसके साथ रहना चाहता था। तो वो दोनों साथ हग करके सो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि माइकल और लॉरा स्विमिंग पूल से रूम आते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होती है और माइकल गिल्ट में था। माइकल लॉरा से कुछ कहना चाहता था मगर लॉरा उसे बिना कुछ बोले वहाँ से जाने को कहती है। माइकल कहता है ये सब नहीं होना चाहिए था, तो लॉरा भी कहती है आगे फिर ये कभी नहीं होगा। इधर एलेक्स और जियोना भी उठ चुके थे। वो दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोनों के आंखों में आंसू थे। इधर जब माइकल मीटिंग पे जाने के लिए अपने कपड़े निकालता है तो उसे जियोना का लिखा हुआ नोट मिलता है। इसमें लिखा था कि वो उस पर ट्रस्ट करती है और उससे बहुत प्यार करती है। ये पढ़ने के बाद माइकल को जैसे और गिल्ट का पछतावा बढ़ गया और वो तुरंत ही मीटिंग छोड़ के अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर जियोना भी घर आ चुकी थी। दूसरी तरफ एलेक्स भी एयरपोर्ट पर बैठ के जियोना की फ़ोटोज़ देख रहा था और उसे याद कर रहा था। इधर जियोना भी उसे याद करके उदास हो रही थी। माइकल घर पहुंचता है और पूछता है क्या वो रो रही थी। इस पर जियोना कहती है हाँ थोड़ा बहुत। जियोना पूछती है वो आज कैसे आ गया, वो तो कल आने वाला था। तो माइकल कहता है उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया और आज वो दोनों साथ अच्छा सा लंच भी करेंगे। जब जियोना उठ के रूम जाने लगती है तो माइकल उसे हग करता है और उसकी नज़र पड़ती है जियोना के सैंडल्स पर। वो जियोना की तरफ सस्पिशियसली देखता है और जियोना भी उसकी तरफ देखती है, और यहाँ इस कॉम्प्लिकेटेड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो देखा जाए तो दोनों ने ही एक दूसरे को चीट किया, बट प्रैक्टिकली माइकल ने चीट किया क्योंकि जियोना के लिए एलेक्स इंटीमेट होना ज़्यादा ईजी था क्योंकि वो उससे किसी वक्त में प्यार करती थी, बट फिर भी उसने खुद को रोका। बट माइकल ने क्या किया, सिर्फ कुछ मोमेंट की खुशी के लिए अपनी वाइफ को धोखा दिया। खैर ये तो मेरा नज़रिया था, आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। सो अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाती रहती हूँ। सो प्लीज़ लाइक करें, दिस गिव्स मी सो मच मोटिवेशन। थैंक यू, और अपना ख्याल रखिए क्योंकि कोई और नहीं रखने वाला।